और किताब यानी कुरान में मरियम का भी तस्करा करो। जब वो अपने लोगों से अलग होकर मकान के मशरिकी हिस्से में चली गईं, फिर उन्होंने उनकी तरफ से पर्दा कर लिया तो हमने उनकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा, सो वो उनके सामने एक खूबसूरत मर्द की सूरत में आया। मरियम बोली कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे बचने के लिए रहमान की पनाह लेती हूँ। फरिश्ते ने कहा कि मैं तो तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ यानी फरिश्ता हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम्हें पाकीजा लड़का बख्शूं। मरियम ने कहा कि मेरे यहाँ लड़का क्यों कर होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने बतौर शौहर छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा कि यूं ही होगा, तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया कि ये मुझे आसान है और मैं इसे इसी तरीक पर पैदा करूंगा ताकि इसको हम लोगों के लिए अपनी तरफ से निशानी और जरिया रहमत बनाएं, और ये काम मुकर्रर हो चुका है। चुनाचे वो उस बच्चे के साथ हामिला हो गई और उसे लेकर एक दूर जगह चली गई। फिर दर्द जह उनको खजूर के तने की तरफ ले आया, कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकती और भूली बिसरी हो गई होती। तब उनके टीले के नीचे की जानिब से फरिश्ते ने उनको आवाज दी कि गमनाक न हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, वो तुम पर ताजा उम्दा खजूरें गिराएगा, तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना कि मैंने अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मानी तो आज मैं किसी आदमी से हरगिज कलाम नहीं करूंगी। फिर वो उस बच्चे को उठाकर अपनी बिरादरी वालों के पास ले आई। वो कहने लगे कि मरियम ये तो तूने बुरा काम किया, ए हारून की बहन, न तो तेरा बाप ही बुरा आदमी था और न तेरी माँ ही बदकार थी। तो मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। वो बोले कि हम इससे के गोद का बच्चा है कैसे बात करें। बच्चे ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है और मैं जहाँ हूँ और जिस हाल में हूँ उसने मुझे साहिब बरकत बनाया है और जब तक जिंदा हूँ मुझको नमाज और जकात का इरशाद फरमाया है और मुझे अपनी माँ के साथ नेक सुलूक करने वाला बनाया है और सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा मुझ पर सलाम है, ये मरियम के बेटे ईसा है और ये सच्ची बात है जिसमें लोग शक करते हैं। अल्लाह को शाया नहीं कि किसी को बेटा बनाए, वो पाक है, जब किसी चीज का इरादा करता है तो उसको यही कहता है कि हो जा तो वो हो जाती है। और बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है।